सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग? और आ चुके हैं अब अपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग लेके गाइस। तो ऑडियो को पूरा देखना, मोबाइल कैसा है, क्या है, किस तरीके का है, सब कुछ जानने के लिए ऑडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऑडियो को लाइक भी कर दो, पहले से पहले ही कर दो लाइक, सही है। और अब हम लोग आते हैं मोबाइल की तरफ। कौन सा मोबाइल है गाइस? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये समझ रहे थे कि भाई कोई आईफोन ले लिया, आईफोन 12 ले लिया, ROG ले लिया या पोको X3 प्रो ले लिया, उन लोगों के लिए 5 मिनट की खामोशी हो जाए। A few moments later. भाई कोई मैंने आईफोन नहीं लिया है, ना 12 लिया, ना 11 लिया है, ना आईफोन एक्स लिया है, ना पोको लिया है, ना रॉग लिया है, कुछ नहीं लिया। मैंने एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन लिया है जैसा कि सबके पास होता है। मुझे देखो दो चीज़ों को चाहिए, रिक्वायरमेंट मेरी दो चीज़ें हैं, नंबर 1 स्टोरेज, नंबर 2 प्रोसेसर, बस। तो अब ये दो चीज़ें मुझे मिल रही थी, एक मोबाइल था इन्फिनिक्स हॉट 10, उसमें मिली थी। तब हुआ ये, जब मैं मार्केट में गया हूँ तो वहाँ पर से पता चल रहा है कि इन्फिनिक्स हॉट 10 डिसकंटिन्यू हो गया और उसकी जगह अब दूसरे मोबाइल आए हुए थे जो कि 20,000 तक नहीं थे। मगर उनमें मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं जो कि भाई बहुत अट्रैक्टिव होती। मगर फिर मुझे हॉट 11 दिखा जो कि 24.5 का था, यानी 25 का, बल्कि 25 का ही समझ लीजिए। तो थोड़े बहुत कम करवा लिए तो 24.5 हो गए, फिर कम नहीं हुआ तो 24.5 ही दे दिए। तो मुझे फिर अपनी रिक्वायरमेंट इसमें मीट हुई तो मैंने ये ख़रीद लिया फाइनली। और पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, तो आ जाओ भाई अनबॉक्सिंग देखते हैं इस मोबाइल की। A few moments later. So guys, ये रहा आपके सामने Infinix Hot 11 जो कि अभी आया है और as it is मैंने इसको रख दिया था और सीरियस की वीडियो भी बनाई है। मैंने इसको खोलकर नहीं देखा है अभी तक, लिटरली बता रहा हूँ। और पूरा प्लास्टिक में रैप है, पहले से ग्रीन पैकिंग में आया हुआ है। तो इसका प्लास्टिक जल्दी से खोल लेते हैं, फिर आपको अंदर से मोबाइल दिखाते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। और भैया इतना ज़्यादा प्लास्टिक लगाया हुआ है। और गाइज यहाँ पर फाइनली इसका पूरा का पूरा प्लास्टिक उतर चुका है और हमने प्लास्टिक हटा दिया है। अब आपको बाहर से डब्बा दिखाते गाइज, क्या डब्बा है इसका। और ये देखिए गाइज, इसका प्रोसेसर का बाहर नाम लिखा हुआ है, गेमिंग प्रोसेसर, यानी हीलियो का G70 मीडियाटेक प्रोसेसर है। सो गाइज अब इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद आपको मोबाइल दिखाते हैं कैसा मोबाइल है। और ये मोबाइल गाइज मैंने उल्टी तरफ से खोल लिया था, मोबाइल वहाँ से गिर के नीचे स्लाइड हो गया था। गाइज ये रहा मोबाइल, इसका कलर एक तरह से ग्रीन है, समझो डार्क ग्रीन की तरफ इसका कलर है। और ये इसका स्पेसिफिकेशन, इसका नाम, इसकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको दिख सकती है। गाइज यहाँ पर प्रोसेसर G70 का है और कितने MAH बैटरी है सब मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और गाइज ये रही, और इसको अभी पन्नी को उतार देते हैं, भाई बहुत लंबी हो रही है और पन्नी उतरनी, पन्नी भी नहीं उतर रही गाइज, हर चीज़ नहीं उतर रही, कुछ चीज़ उतर ही नहीं रही है, इतनी पैकिंग कि कोई चीज़ उतर नहीं रही है, मुश्किल से उतर रही है बहुत। तो अब पन्नी उतर चुकी है गाइज, और अब आप देख सकते हैं इस पर इसका प्रोसेसर, इसकी बैटरी, इसका कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग इस पर लिखा हुआ है। सो अब हम आपको दिखा देते हैं मोबाइल। गाइज ये मोबाइल देख लीजिए, ब्लैक बॉडी में पूरा, और पीछे से इसका कलर डार्क ग्रीन की तरफ है, यानी ये ग्रीन भी नहीं है, एक अलग ही कलर हो रहा है, मगर जो भी है खैर आप देख सकते हैं यही कलर है। सो गाइज अब देख लें आप, इसको ऑन करते हैं और ऑन करके आपको दिखाते हैं ये कैसा है। सो गाइज फाइनली इसको ऑन कर लिया है और ये भी फर्स्ट टाइम ऑन किया है मैंने। सो आप लोग देख सकते हैं इस पर डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर लगा हुआ है, इस तरह से इसके ऐप्स खोलते हैं वगैरह वगैरह। और ये इसका सिस्टम है पूरा का पूरा इसमें। और कैमरा, कैमरा किधर है यार, कैमरा लगाओ, कैमरा, कैमरा गाइज देख सकते हैं कैमरा आ गया है, कैमरा देख सकते हैं गाइज। अब कैमरा क्वालिटी चेक करें इसकी कैसी है। और इस तरह के बहुत सारे कैमरे हैं, ब्यूटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें भी इसमें पड़ी हुई हैं, हमें तो बस कैमरा चाहिए होता नॉर्मल वाला, वो सही है, बाकी शक्ल का मसला अलग है। और ये कैमरा देख सकते हैं गाइज आप, पूरी की पूरी सेटिंग्स हैं, इसकी सेटिंग्स भी खोल लेते हैं एक दफ़ा और सेटिंग्स किस डिस्प्ले में है वो भी दिखा देते हैं आपको। और सेटिंग्स किधर है, ये रही सेटिंग्स मिल गए गाइज, ऐसे इसकी सेटिंग्स हैं। DPI इसकी गाइज 360 DPI थी, जिसको मैंने 411 कर लिया था, मतलब 400 तो रखनी ही चाहिए मैक्सिमम, 360 को ज़्यादा ही कम हो रही थी तो मैंने उसको 411 कर लिया था DPI को। सो अब देखते हैं डब्बे के अंदर से और क्या क्या सामान बरामद हुआ है, मतलब चार्जर वगैरह क्या क्या चीज़ें दी थी। ये रहा गाइज इसका डब्बा जिसके अंदर इसका बाकी का सामान पड़ा हुआ है। तो अभी आपको दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर बाकी क्या क्या सामान दिया था, चार्जर वगैरह तो था ही,
बाकी कुछ और भी इन्होंने चीज़ें दी हुई थी और भी पता चले इसके साथ कवर भी आया था तो, और वो ट्रांसपेरेंट कवर जो होता है सिलिकॉन वाला वो आया था इसके साथ तो, और ये अंदर से देख रहे हैं, ये पहले मुझे लगा डॉलर पड़ा हुआ है मगर फिर मुझे लगा ये कुछ और ही चीज़ है, खैर हमें क्या मतलब है, तो हमने फेंक दी उठा के। और अंदर इसके बाकी बुक वगैरह थी और ये कवर निकला इसके अंदर से जो कि कंपनी तरफ से आया हुआ है अंदर, शायद अब हर फोन में ही आता है ये, आप पता नहीं इंफिनिक्स वाले देते हैं क्या सीम पार्ट इसका मुझे नहीं पता। तो यही सही है गाइस, इसका कवर इसका साइज़ ढूंढने के लिए फार होना पड़ता है, तो इसका कवर वैसे ही मिल गया, यही सही बात है। और अंदर बाकी चीज़ें देख लेते हैं, ये डॉलर का टुकड़ा पड़ा हुआ है और ये बुक है जो काम की नहीं है, बाकी चार्जर आ गया है गाइस यहाँ पर, चार्जर की पिन वो वाली मतलब बिल्कुल सीधी पिन जो होती है जिसमें ना कोई कोई भी मतलब डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सीधी पिन जो लगती है सीधी, जिस साइड से भी घुसड़ दो चार्ज हो जाएगा, वो वाला सीन पार्ट है। और अंदर से बुक निकली जिसको हम घंटा भी नहीं पढ़ते हैं। सो बस गाइस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बाकी यही सब सीन है। और वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कर देना। इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है वो मॉन्टेज आने वाली है नए वाले मोबाइल पे, यानी अल्ट्रा HD हाई ग्राफिक्स शेडो पर मॉन्टेज, भाई सोचो कितना टाइट मज़ा आएगा। तो इसीलिए गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक टारगेट मैक्सिमम जितना हो सकता कर देना और भाई कमेंट ज़रूर करना, वन कमेंट इज इक्वल टू मोटिवेशन होता है। और यहाँ पर गेम को हमने इंस्टॉलिंग पे लगा दिया है, सो गेम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अल्ट्रा पे चल रहा है नहीं चल रहा, ईच एंड एवरीथिंग विद मॉन्टेज। अगली वीडियो ज़रूर से ज़रूर वेट करना, अपलोड करने वाला हूँ तो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द। जब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।